आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री देवेश जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष राजीव रंजन जी, भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री निखिल आनंद जी, हमारे बिहार के प्रवक्ता अरविंद सिंह जी, मीडिया प्रभारी राजू झा जी, उपस्थित सभी प्रेस के बंधु, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के मूल मंत्र के साथ कल माननीय निर्मला सीतारमण जी का भाषण हुआ और पूरे बजट को उन्होंने देश के सामने रखा। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर्षित हैं कि पहली बार इतिहास में पार्टी के कार्यकर्ताओं को बजट को लेकर के संबोधन इस देश के प्रधानमंत्री जी ने रखा है। आज पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक प्रदेश और जिला कार्यालय में माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन हुआ है और यह जो बजट है, आजादी के 75वें साल का जो बजट है, यह इस देश में जो स्वामी विवेकानंद की कल्पना थी कि भारत विश्व गुरु बनेगा, उसका सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव इस बजट को माना जाएगा भविष्य के लिए, भारत के लिए। और इस पूरे बजट में जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो अर्थव्यवस्था को और एक लॉजिस्टिक का मजबूत आधार होना चाहिए वह माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। पहली बार हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर अर्थात सड़क, रेल, विभिन्न तरह के लॉजिस्टिक, इनके लिए 7.5 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और कुल मिलाकर के अगर हमारा जो विकास के कार्यों का खर्च देखा जाए तो 10.5 लाख करोड़ रुपए केवल विकास योजनाओं में लगेंगे। इसके अलावा इस बजट की सबसे बड़ी खासियत है कि केवल 14 उद्योगों में, मैं पुनः दोहरा दूं, केवल 14 उद्योगों में 60 लाख रोजगार मिलेंगे। यह 14 उद्योगों को भारत सरकार ने PLI स्कीम के तहत लिया है अर्थात प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, और 5 वर्षों में केवल इन 14 उद्योगों का कारोबार 30 लाख पूछ सकते हैं इकोनॉमी के लिए के मूल्य के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। विपक्ष कह रहा है कि पेट्रोल डीजल और जो सरसों का तेल है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। दिक्कत क्या है कि थोड़ा सा अगर वो पढ़ेंगे तो पता चलता। तिलहन के लिए पूरी एक नई योजना बनाई गई है और इसमें एक पूरे भारत में इसको, मोटे अनाज को और अगला वर्ष तिलहन को, ये दो चीजों के लिए पूरी योजना बनी है और इसमें सरकार प्रोत्साहन कर रही है जिससे जो हमारा आज तक विदेशों से निर्यात जो होता था पाम ऑयल का, उसको कम से कम किया जा सके और भारत खुद इनका उत्पादक बन सके, इसकी पूरी योजना है। कृपया कर अर्थव्यवस्था को वो ठीक से पढ़े। जहां तक जीएसटी की बात है, जीएसटी में क्या चीजें रहेंगी क्या नहीं रहेंगी ये जीएसटी काउंसिल तय करता है। तो जहां पे विपक्ष शासित मुख्यमंत्री हैं वही शुरू करें, इनिशिएट करें कि इसको जीएसटी में लिया जाए। आज तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, विभिन्न दलों के मुख्यमंत्री इस देश में हैं जो जीएसटी काउंसिल के सदस्य हैं। अगर कांग्रेस अखबार में जाने के बदले अपने मुख्यमंत्रियों को कहे कि जीएसटी काउंसिल में हम पेट्रोल डीजल को लेंगे तो भारत सरकार को क्या ऐतराज हो सकता है। एक ये जो विषय है उससे अर्थव्यवस्था को लेकर जो आपका कोई और प्रश्न है, रोजगार के लिए आप लोगों ने कहा है कि 60 लाख रोजगार, स्किल इंडिया की अगर बात की जाए, फिर आप गलत बोल रहे हैं। रोजगार के लिए कहा गया है कि केवल 14 सेक्टर में 60 लाख रोजगार, इसके अलावा जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो हमारा स्किलिंग सेक्टर है, जो हमारे अतिरिक्त जो दुनिया में एक कारीगर से लेकर के इंडस्ट्रीज तक जो बनते हैं वह बिल्कुल अलग है। ये 60 लाख रोजगार केवल उन जगहों, उन उद्योगों में है जो उद्योग भारत में नहीं बनते थे। PLI उन्हीं को मिलता है जो भारत में, जिनका प्रोडक्शन नहीं होता था,
हमें विदेशों से सामान मंगवाना पड़ता था और हमारी विदेशी मुद्रा उसमें जाती थी। केवल उस तरह के 14 उद्योगों में 60 लाख रोजगार दे रहे हैं, बाकी सब जो भारत में रोजगार के जितने अवसर थे, आज भी आप केवल अगर इंजीनियरिंग के कंप्यूटिंग के क्षेत्र में देखिए तो 1.5 लाख इंजीनियर्स को इस वर्ष नौकरी मिली है और हर सेक्टर में नौकरी मिल रही है, क्योंकि यह एक सबूत है 1,40,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन अगर जनवरी में आता है, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ है। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी टाइम्स न्यूज़पेपर दरभंगा।